नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने यहाँ पे व्यापार के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ करी है। व्यापार के अंदर यहाँ पे एक बार फिर नेपाल ने बाजी मारी है। कोरोना के कहर के चलते हुए भी नेपाल की ये ग्रोथ, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि सभी देशों में यहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है, वहीं पे नेपाल के व्यापार में ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी के चलते हुए यहाँ पे नेपाल के एक और कार्य क्षेत्र ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है कि जिसे यहाँ पे सुनकर भी आप अनबिलीवेबल महसूस करोगे, लेकिन यह एक्चुअल में इतनी ग्रोथ हुई है नेपाल की, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल के निर्यात में लगातार यहाँ पे उत्पादन है वो 61.97% बढ़ा है दोस्तों। और व्यापारियों ने मूल्य और गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ पे नेपाल के जो माल है उसको बहुत बड़ी शाबाशी दी है कि इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। बताया जा रहा है दोस्तों कि जो फ्लैट्स यहाँ पे होते हैं, जिस प्रकार से मैं बताऊँ आपको कि जो हस्तशिल्प कलाकृतियाँ होती हैं, छोटे छोटे चित्र होते हैं या फिर शिल्प होती हैं, उस प्रकार के इस व्यापार में नेपाल को सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। कोरोना जैसी महामारी के बीच में व्यापार सभी देशों के जहाँ ठप पड़े हैं, वहीं पे इस व्यापार में जो हस्तशिल्प कलाकृतियाँ होती हैं वो नेपाल के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम आया है। और नेपाल का ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसका एक रीज़न है दोस्तों। रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो हस्तशिल्प कलाकृतियाँ होती हैं उनका जो प्रचलन था वो प्राचीन काल से था, और लगभग सभी देश इस व्यापार को छोड़ दिए थे, लेकिन जो नेपाल है उसने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा और उसने इस काम को भी नहीं छोड़ा। उस काम को नहीं छोड़ने का नतीजा ये निकला दोस्तों कि अभी इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने लग गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी नेपाल वही सामान ले जाता है जो पुराने समय में दिया करता था, यानी कि उसकी गुणवत्ता हो चाहे उसके मूल्य हो, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं गिरावट देखने को मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्योर चीज़ देता है इस चीज़ में तो वो है नेपाल। इसी को चलते हुए यहाँ पे जो यूरोप है या फिर अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, इनमें इस सामान के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गई है और नेपाल की जो पूर्ति है, पूर्ति करने की क्षमता है वो कम पड़ गई है। इसी के चलते हुए यहाँ पे नेपाल है, उन्होंने कहा है कि हम गुणवत्ता वही रखेंगे, चाहे हमारे पास माल कम हो, चाहे हम डिमांड कर पाएँ, डिमांड पूरी कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि व्यापार और निर्यात संवर्धन केंद्र के अनुसार देश में चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने यानी कि जुलाई से ये मध्य मार्च के दौरान लगभग 2.74 बिलियन के उत्पादन का निर्यात किया गया, और निर्यात बिल की राशि के रूप में यहाँ पे 61.97% की तीव्र वृद्धि हुई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष यानी कि 19 और 20 अगर बात करें तो उस अवधि से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और देश के पिछले वित्त वर्ष से रुपए लगभग 2.1 बिलियन उत्पादन के निर्यात में वृद्धि हुई है। और यूरोप का कहना है कि जो नेपाल का सामान है उससे बेस्ट क्वालिटी कहीं पर देखने को नहीं मिलती, और बल्कि लगभग सभी देशों ने इस तरह के प्रोडक्ट बनाने भी बंद कर दिए हैं जिसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। तो नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, नेपाल की आर्थिक दृष्टि को देखें तो भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस कोरोना महामारी के चलते हुए व्यापार में इतनी ज़्यादा ग्रोथ होना वास्तव में बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो यहाँ पे प्राउड होना चाहिए नेपालियों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं वो नेपाल की महिलाएँ सबसे ज़्यादा बनाती हैं, यानी कि हमें महिलाओं के लिए भी तारीफ करनी चाहिए, महिलाओं के लिए भी प्राउड फील करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, लाइक कीजिए साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।